हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी अपना ग्लासवेयर कलेक्शन, अपने ग्लास कंटेनर्स, ग्लासेस, ग्लास जितने भी ग्लास स्टोरेज के सामान मेरे पास में है वो सब शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत जो है वही सब शेयर करूंगी। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आता है ना वो ये वाला मैसन जार्स का सेट। ये बहुत क्यूट है, इसके साथ में इसका स्टैंड भी है और ये इस टाइप का है। इसमें जैसे होता है ना, हम ओट्स वगैरह, स्मूथीज वगैरह कुछ भी बना के ओवरनाइट हम फ्रिज में रख दें तो बहुत अच्छा सा होता है जूस। इसके साथ में मुझे यहाँ पर स्ट्रॉ भी मिली थी। तो बहुत खूबसूरत सेट है ये वाला चार का। ये मैंने शायद मैंने होम टाउन से लिया था, बहुत अच्छी डील में मिला था। और लास्ट वाले का तो रिधान ने इसका कैप खो दिया है, रेड कलर में था। ये भी बहुत अच्छा लगता है। और बाकी के मेरे पास में ये सब चार्स है क्लिप वाले, क्लिप एंड स्टोर जिन्हें बोलते हैं। तो इनमें मैं ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ और ये आंखों के सामने होते हैं तो बहुत इजी होता है। कोई भी चीज़ आंखों के सामने है तो उनको खा लेना, और रिधान देखता है तो वो खा लेता है। तो मैं यहाँ पर इस वाले में सारे ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ। मैंने अमेजोन से मंगाए थे और ये मुझे थोड़े से कॉस्टली पड़े थे, 275 समथिंग का मुझे ये वाला एक पर पीस पड़ा था। और लेकिन उसके बाद मैंने एक लोकल स्टोर में देखा था तो यही वाला पीस, सेम पीस 250 रुपीज़ का मिल रहा था। तो आप एक बार देख सकते हैं, जितने भी लोकल स्टोर्स वगैरह होते हैं उनमें भी आप ये चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, अमेजन से जो मैंने परचेज़ किया था उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो ये वाला भी मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा टाइट लगा था फर्स्ट टाइम खोलने बंद करने में, बट ठीक है, उसके बाद में मैं यूज्ड टू हो गई। शुरुआत में आपको लगेगा कि बहुत टाइट है, पर बाद में ठीक लगा था मुझे। और इन कंटेनर्स के बाद में है मेरे पास में ये वाले ग्लास के कंटेनर्स, जो मोस्टली ऐसे चाय पत्ती, चीनी वगैरह ये सब रखा हुआ है इनमें। और इस ये वाला है शायद ट्रियो ब्रांड का है ये वाले, जिसके साथ में वुडन ग्लासेस, वुडन कैप है। ये वाला ओशन ब्रांड से है, ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत क्लासी लगता है। और ये वाला है सेलो ब्रांड से ये वाला। तो ये आपको किसी भी होम सेंटर में, होम टाउन में, लोकल शॉप में, ऑनलाइन सब जगह मिल जाएंगे ये सब। 100, 150, 250, 300 इस सब की रेंज के हैं। तो ये भी बहुत इजी होते हैं, क्विक एक्सेस होता है इनका, क्योंकि मेरा गैस स्टोव यहाँ पर है तो ये बहुत इजी एक्सेस होता है इन सबका, जो भी चाहिए होता है, जो जब चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये रखे हुए हैं। और अब मैं ले चलती हूँ आपको क्रॉकरी यूनिट की तरफ। यहाँ पर है मेरे पास में कुछ ग्लासेस, कुछ बॉल्स वगैरह, ये सब यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। तो मेरे पास में दो विस्की ग्लासेस हैं, दो टाइप के हैं ये। तो जो पहला वाला है विस्की ग्लास वो ये वाला है, ओशन का है अगेन, और ये टूट भी चुके हैं काफ़ी इनमें से। और दूसरा वाला ये मैंने होम टाउन से लिया था, जो होम टाउन में संजीव कपूर की बहुत अच्छी सीरीज चलती है ग्लासेस की, किचन वेयर की, तो ये उसी से लिया था। इसमें ग्लास ये वाला सर्किल का डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत था डिज़ाइन है इस वाले में। तो अगेन ये शायद 500-600 के आते हैं, 6 का सेट आता है। ये ओशन से लिया था ये वाला, संजीव कपूर फ्रॉम होम टाउन वाला है। और यहाँ पर रखे हुए हैं मैंने अपने कुछ वाटर, पानी पीने वाले ग्लासेस, ये भी अगेन ओशन ब्रांड से हैं। आप यकीन करेंगे मेरे पास में ये कभी 12 का सेट हुआ करता था इस वाले ग्लासेस का, और अब ये सिर्फ 5 बचे हैं। कुछ रिधान ने तोड़े हैं, कुछ मुझसे टूटे हैं, कुछ काम वाली से टूटे हैं। और उस इस इधर है ये कुछ जूस या फिर जैसे मट्ठा या छाछ वगैरह पीते हैं ना, ये वो वाले ग्लासेस हैं। ये तो मुझे शायद किसी ने गिफ्ट किए थे, ये बहुत पुराने शायद, हाँ मेरे इन-लॉज ने मुझे दिए थे जब वो पहली बार यहाँ पर आए थे। और अगेन ये वाले ओशन ब्रांड से हैं, ये बहुत छोटा साइज़ है, मतलब जैसे कप के साइज़ होते हैं ना, ये वो वाले होते हैं, मतलब जूस बहुत बड़े ग्लास में नहीं पिया जाता है तो ये उसके लिए है, या कोल्ड कॉफ़ी वगैरह जो भी आप पीना चाहें इनमें। ये छोटे हैं, कप के साइज़ जैसे होते हैं, ये वो वाला है। और ये ऐसी एक शॉट का ग्लासेस मेरे पास में, मेरे हस्बैंड को ऑफिस से मिला था तो ये वो वाला रखा हुआ है। और इसके ऊपर इस टाइप की अंडर शेल्फ बास्केट में मैंने रखे हुए हैं ये वाले डेजर्ट बॉल सेट,
ये भी अगेन 6 का सेट है। तो ये आइसक्रीम वगैरह या पुडिंग वगैरह के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं क्योंकि मेरे पास में इकलौता यही ग्लास का सेट है। कभी कभी कोई इवनिंग कोई गेस्ट वगैरह भी आते हैं तो मैं उस उनको इसमें भी नमकीन वगैरह सर्व कर देती हूँ। ये जो लाइट दिख रही है ना ब्लू कलर की, ये ऊपर फोकस लाइट है, ये इस वजह से आ रहा है। मैं आपको भी बंद करके भी दिखाऊंगी कैसा लगता है। और उसके ऊपर है ये वाले ग्लासेस, मैं बंद कर देती हूँ, ढंग से क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ शायद अब ठीक है। तो ये वाले, हाँ मेरे पास में ये एक वाइन ग्लासेस का सेट है। अगेन ये वाला भी ओशन से है। ये वाले थोड़े से शायद 200 या 300 के दो का सेट आता होता है ये वाला ओशन का। ये भी आपको होम टाउन में, होम सेंटर में, बिग बाज़ार में, सब तरह की शॉप्स में मिल जाएगा। और अगेन लाल वाले ग्लासेस हैं मेरे पास में, ये बियर ग्लासेस, ये भी ओशन ब्रांड से ही है। ज़्यादातर आपको मेरे ओशन ब्रांड के ही ग्लासेस मिलेंगे, मुझे अच्छे लगते हैं, रिजनेबल होते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल मैंने 3 या 4 निकाल के रखे हुए हैं, बाकी बैग में कहीं और रखे हुए हैं। तो बस ये है मेरे पास में सारे ग्लासेस, मोस्टली ग्लासेस हैं। बॉल, डेजर्ट बॉल सेट मेरे पास में एक ही है। और जो मेरे फेवरेट है ना मेरे पूरे ग्लासवेयर कलेक्शन में, तो वो हैं ये जग ग्लासेस और ये वाली वाटर बॉटल्स। तो अगेन जो ये वाला है, ये भी अगेन संजय कपूर की जो सीरीज़ चलती है ना होम टाउन से, ये वाला भी उसका है। और ये मोस्टली ग्लासेस जूस के लिए मैं यूज़ करती हूँ। अभी थोड़ा सा क्लीन नहीं है क्योंकि बहुत बहुत रेगुलर यूज़ में यूज़ नहीं आता है। और जो दूसरा मेरे पास में है वो हैं ये वाले वाटर बॉटल्स। ये आप ना बहुत जगह रेस्टोरेंट्स वगैरह में आपने ये वाली देखे होंगे, तो वहीं पर मैंने देखे थे और मुझे बहुत पसंद आते हैं ये, रेस्टोरेंट वगैरह में ये होते हैं। तो ये भी इसकी टाइप्स की ना ये क्लिप होती है, यहाँ से नॉब बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा, क्या क्या बोलते हैं इसको। तो ये रेस्टोरेंट वगैरह में बहुत ज़्यादा देखे होंगे, वाटर होता है इसमें सर्व। और ये वाले भी मैंने होम टाउन से लिए थे, दिवाली के टाइम पे लिए थे, तो बहुत अच्छी डील में ये मुझे मिल गए थे। शायद ये 2 का सेट मिला था, 300 समथिंग या 200 समथिंग का मुझे मिला था ये वाला सेट। तो आई होप आपको मेरा ग्लास कलेक्शन पसंद आया होगा। हाँ, और हाँ मैं काफ़ी कुछ ना इसको रेगुलर यूज़ में नहीं यूज़ कर पाती हूँ, काफ़ी कुछ मेरा ऐसे ही बंद रहते हैं एक रिधान की वजह से। कभी कभी गेस्ट आते हैं बस तभी यूज़ करती हूँ। तो आई होप आपको मेरा ये कलेक्शन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और मिलती हूँ मैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।